चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा को पंजाब से अलग नए विधानसभा भवन जो है वो मिलने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सुबह चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित साइट का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम एक साल से विधानसभा के नए भवन के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोविड में विधानसभा भवन की कमी देखने को मिली। और क्या कुछ कहा ज्ञानचंद गुप्ता ने आपको सुना? व्यवस्थाएं आज की विधानसभा में हैं या जो कमियां विधानसभा के अंदर हैं, और उसके साथ साथ कोविड काल के अंदर जो एक्सपीरियंस हुआ कि किस प्रकार से विधानसभा का जो हमारा अभी का जो भवन है उसके अंदर वो सभी सुविधाएं नहीं हैं जो विधान भवन के अंदर होनी चाहिए, तो उसी संदर्भ में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की और पहला एक पत्र 1 जुलाई 2021 को हमने यूनियन होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी को लिखा था। तो सभी पहलुओं को देखते हुए उन्होंने हमें 3 स्थान जो हैं वो ऑफर किए कि ये 3 स्थान हम आपको दे सकते हैं। तो वो 3 स्थान जो थे, एक नंबर एक था जो आईटी पार्क की रोड है, रेलवे स्टेशन टू आईटी पार्क, नर्सरीज के सामने जो है आईटी पार्क रोड के ऊपर नर्सरीज के सामने वहां था। और 2 स्थान जो थे वो जो हमारा कलाग्राम है, कलाग्राम के अपोजिट थे। उन्होंने कहा कि ये सारी हमने चेक करा लिया है कि सारी चीजें देखने के पश्चात हम